हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग और कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने दिवाली? और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरा घर, मेरा व्लॉग इतना पसंद किया उसके लिए। तो कोशिश थी मेरी, जितनी आपके कमेंट्स पढ़ के मेरे को तसल्ली हो गई कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई है। क्योंकि जब अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो मतलब होता है कि चलो यार, जो मैंने मेहनत की थी सब, आप छोटा सा कमेंट नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल हाउस या लिख देते हो तो ये लगता है कि हाँ, आप लोगों को अच्छा लगा। तो बस आज का जो पूरा दिन था, अभी तो रात के 8:30 बज रहे हैं, सुबह से व्लॉग ही नहीं स्टार्ट किया। उसका रीज़न था कि मैं आज सबके घर गई थी दिवाली के, जो गिफ्ट देने थे उसके लिए अभी भी पूरे नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग उन लोगों के घर अभी भी जाना बाकी है और बहुत थक गई हूँ। मेरे चेहरे से देख सकते हो कि मैं कितनी थकी हुई हूँ, क्योंकि दिवाली ख़त्म की, उसके बाद अगले दिन फिर सबके घर जाओ, सबको स्वीट्स जो होती हैं देनी होती हैं। तो कुछ लोग पहले दे देते हैं, कुछ लोग दिवाली वाले दिन देते हैं, कुछ लोग एक दिन बाद देते हैं। तो मैंने दिवाली वाले दिन मेरी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा ही था। तो मैंने जो अपनी जो दिवाली ड्रेस पहनी थी, मैंने वो चेंज कर ली थी। एक्चुअली मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, एक ब्लैक कुर्ता पहना था, बट मैं जब पटाखे जलाने जाना था तो मैंने घर आते ही सबसे पहले ड्रेस चेंज किया, क्योंकि वो मटेरियल जो साटन में था तो मुझे डर था कहीं उसमें चिंगारी लग गई तो मेरा ड्रेस पूरा ख़राब हो जाएगा और आग वाग का डर रहता है। जो कि छोटा सा इंसिडेंस हो भी गया कि क्रैकर नीचे ही फट गया था, जो सब लेडीज़ के ऊपर आके गिरा। मेरी कॉटन ड्रेस थी तो मैं बच गई एकदम, बहुत ज़ोर से पेट पे आके वो लगा था, बट बच गया। थोड़ा सा यहाँ इस जगह पे जला है, जो कि अब मुझे तो खैर पेन नहीं फील हो रही यहाँ पे करके है, बट तब पता भी नहीं लगा। खैर मुझे बहुत थोड़ा, वो भी किसने बताया कि तुम्हारे यहाँ भी लग गई है तो बस अदरवाइज दिवाली अच्छी रही। इसलिए बोलते हैं कि कॉटन के कपड़े पहनो दिवाली पे, बहुत ज़्यादा सिल्क और ये सब मटेरियल, साड़ी वाड़ी तो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। तो मैं तो चेंज कर लेती हूँ, बच्चों को भी चेंज करवा देती हूँ, सेफ्टी फर्स्ट होती है हमेशा हर त्यौहार पे। और बस आज का दिन ऐसे ही बीत गया है। और आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है कि मेरी बेटी का जो अमेज़ॉन का मेन ब्रांच है हैदराबाद में, वहाँ की सिलेक्शन हो गई है। तो कल उसका इंटरव्यू है, हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद, लाइक परसों इंटरव्यू है, हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं परसों इंटरव्यू के लिए। तो कल सुबह मुझे निकलना है, तो मैं हम लोग जब गए थे डिस्ट्रीब्यूट करने गिफ्ट वगैरह, तभी उसका मेल आया और फ़ोन, मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो कल ही हम लोग को इंटरव्यू के लिए निकलना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर निकलते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी जा रहे हैं हैदराबाद, तो देखते हैं कैसा रहता है ये ट्रिप। अभी मुझे पैकिंग करनी है उसके लिए, तो बेटी तो अपनी खुद कर लेगी, सिर्फ 3 दिन का ही है, 2 या 3 दिन का। तो फ्लाइट्स जो हैं अवेलेबल नहीं होंगी इतनी जल्दी, बहुत महंगी होती हैं इंस्टेंट फ्लाइट्स टिकट कराने से, और ट्रेन की टिकट्स तो अवेलेबल ही नहीं है। और मेरे बाल देखो कैसे चिपके हुए हैं। तो ट्रेन की जो टिकट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, और अब हम लोग निकल रहे हैं बाय रोड, विशाखापट्टनम टू हैदराबाद बाय रोड जर्नी है मेरी तो आपके साथ कल का जो सुबह का मैं शेयर करूँगी, स्टार्टिंग से लेके हैदराबाद का ट्रिप पूरा। तो देखते हैं कैसा हमारा ये ट्रिप रहता है, हैदराबाद जो इंडिया का है क्योंकि जो मेरे पाकिस्तान के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मुझे पूछते हैं जलंधर पंजाब पाकिस्तान में भी है, आप पाकिस्तान वाला पंजाब पूछ रहे हो? मैं कह नहीं, मैं इंडिया वाले पंजाब और इंडिया वाले हैदराबाद की बात कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है जहाँ तक मुझे पता है। तो हम लोग कल सुबह निकलेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैंने अभी पैकिंग भी करनी है, और आज का जो डिनर है मैंने बाहर से मंगाया है, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है बनाने की बिल्कुल भी। और बच्चे भी बहुत दिन से पीछे पड़े थे कि मम्मी कुछ मंगाओ, कुछ खाने का मन कर रहा है अच्छा सा, तो सोचा कि क्यों ना मंगा लिया जाए आज ही। और पैकिंग वैकिंग करूँगी तो खाना बनाने जितना हिम्मत भी नहीं है, टाइम भी नहीं होगा, और थकावट बहुत हो चुकी है दिवाली फेस्टिवल की। लगातार आप देख रहे हो, एक हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा लगी हुई हूँ काम में। और जो मैंने आज ड्रेस पहना है, अब इसके बारे में आई नो ज़रूर पूछेंगे, तो ये जो है मैंने मटेरियल परचेज करके
स्टिच करवाया हुआ कुर्ता है ये मेरा, और तो ये मैंने सिंपल मेरा नेट मटेरियल में बना हुआ ये ड्रेस है, आप देख सकते हैं। तो ये नेट के मटेरियल में जो है रेड कलर के नेट पे एम्ब्रॉयडरी है, मैंने इसके अंदर जो लाइनिंग है वो ब्लैक लगवाई है, तो ये इसका कलर कुछ इस तरह से आ गया है ब्राउन जैसा, ताकि ये रेड पॉपअप हो जाए ऊपर। अगर मैं रेड लगवाती तो ये दिखता नहीं डिज़ाइन, अभी आप देख सकते हैं डिज़ाइन दिख रहा है। तो मैं इसके साथ चुन्नी भी रेड ले रही हूँ और लेगिंग भी मैंने रेड कलर की ही पहनी है, तो घर पूरा मैं सो रखा है अभी तो बस अभी मैं पैकिंग करती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं अगर हो पाएगा, नहीं तो सुबह बात करती हूँ फिर मैं आपसे। गुड मॉर्निंग, और अब हम लोग निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं तैयारी तो बस अभी सुबह के 6 बज गए हैं, 5 बजे का प्लान था निकलने का, बट लेडीज होती हैं तो लेट तो होता ही है हस्बैंड कब के नीचे जाके बैठे हुए हैं गाड़ी में, उतरो 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 तो बस अभी निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए, और देखते हैं जर्नी कैसी होती है। स्टार्ट करने लगे हैं यहाँ से, ब्रिज तो ऊपर ले लें रेलवे स्टेशन और फोर्ट वाले। बाहर बारिश हो के अभी हटी है लग रहा है, और बेटी गाड़ी चला रही है, बोली मैं लेके जाऊंगी आज, जहाँ तक चला पाएगी वो चलाएगी, उसके बाद आगे हस्बैंड दोनों मिलके चला लेंगे तो चलिए सुबह सुबह का व्यू आप देख लो, खाली सड़कें हैं फिर ये सड़क इतनी भर जाती है सुबह सुबह की, यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक जैम होता है हमारे यहाँ शाम को, अभी बिल्कुल खाली है, देख सकते हो कैसे आराम से बैठ गए हैं पीछे, मजे लेना चाह रहे हैं कि मैं आज बैठ के आराम से जाऊंगा, और प्रेरणा ड्राइव कर रही है, ड्राइव करे बगैर और बीच में विजयवाड़ा हमारा ब्रेक होगा, विजयवाड़ा घर जाएंगे, खाना वाना वहीं खाएंगे, उसके बाद आगे हैदराबाद के लिए निकलेंगे। अपना घर है ना? तो हाँ जी, अपना घर है हमारा मेरा जो ससुराल है असली ससुराल विजयवाड़ा में ही है, जो मैं शादी करके आई थी विजयवाड़ा ही पहुंचे थे हम लोग, तो अब तो मदर इन लॉ यहाँ शिफ्ट हो गई, हमारे साथ रहते हैं, वो इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, तो मेन जो इनका गढ़ है जो बोलते हैं विजयवाड़ा ही है, तो बस पीछे आप देख सकते हैं कितने मजे से रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं, तो ये आई थिंक हैदराबाद तक ऐसे ही जाने वाले अपना तकिया वकिया सब लेके चले हैं और हम दोनों ड्राइव, ये ड्राइवर है, मैं कंडक्टर हूँ उसकी और पीछे हमारी सवारी बैठी है बहुत बॉस कैसा लग रहा है आपको बहुत मजा आ रहा अभी तो स्टार्ट हुआ है रास्ते में रुके हैं पानी लेने के लिए, पानी की बोतल लेना भूल गए घर से, यहाँ एक छोटी सी दुकान है हाईवे पे, की चीज ब्रेकफास्ट ओके, तो पानी और मैंने बोला थोड़े बिस्किट बिस्किट कुछ रख लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो विजयवाड़ा का रास्ता है वहाँ हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, कोई अच्छा ढाबा रेस्टोरेंट नहीं है, ढाबे तो मतलब यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है ना साउथ में, ये सब अपने नॉर्थ साइड के ही ट्रेंड है, तो
आंखें काली हो गई मेरी, काजल लगाया था सुबह मैंने, तो अभी पूरा हाईवे खाली है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, मार्केट भी बंद है। एक दुकान मिली हमें खुली हुई, तो हमने सोचा पहले पानी वानी ले लिया जाए, क्योंकि रास्ते में और कुछ हो ना हो पानी की बॉटल जरूर होनी चाहिए, जो मैं भूल आई घर पे ही। तो बस अभी हम वही ले रहे हैं। और ये जगह का नाम क्या है? नाकापल्ली। नाकापल्ली बहुत बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और खाना तो बहुत ही टेस्टी था। एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा था और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अगर कोई विजयवाड़ा जा रहा है रास्ते में तो उनको ये रेस्टोरेंट ज़रूर आना चाहिए एक बार, बिल्कुल नया है। वाकई खाना बहुत अच्छा था और अच्छा रेस्टोरेंट है विशाखापट्टनम विजयवाड़ा रास्ते में। 110 रुपए दे देते हैं। तो अभी हम लोग अभी टोल, बिल्कुल टोल गेट के पास है एक्चुअली ये वाला नक्कापल्ली। तो नक्कापल्ली जगह है जहाँ पे ये टोल गेट आता है, उसी के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे पड़ता है, ऑपोजिट रोड पे जाते हुए, वापसी में तो अपनी साइड पे ही आएगा। तो बस अभी हम लोगों ने वहां से नाश्ता किया, इडली पूड़ी अच्छे से पेट भर के सबने खा लिया है। और थोड़ा धूप आ गई है तो बस अब हमारा लंच जो होगा वो घर जाके होगा, विजयवाड़ा घर पे। तो बस अभी सीधा हम लोग नॉन स्टॉप ड्राइव होगी। हम लोग विजयवाड़ा पहुंच गए हैं, अब हम घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे। तो यहाँ मेरे देवर रहते हैं, उनका घर है, और मदर इन लॉ भी अभी यहीं रह रहे हैं थोड़े टाइम से। तो बस पहुंच गए हैं हम लोग और एक दो घंटे रेस्ट करके फिर निकलेंगे हैदराबाद के लिए आगे। तो बारिश हो रही है बाहर, मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ का। निकले थे तो वहाँ तो धूप थी पर यहाँ पे बारिश है। लोग विजयवाड़ा से भी निकल चुके हैं और हैदराबाद के लिए हाईवे पे सिटी से बाहर निकल रहे हैं। तो पूरी ओल्ड सिटी दिखा रहे हैं मेरे हस्बैंड, यही तो यहीं के पले बड़े पड़े, सब यहीं इनका बर्थ हुआ, सब यहीं हुआ है, तो वही दिखा रहे थे अपना शहर। क्योंकि मैं विजयवाड़ा बहुत कम आई हूँ, गिनती के कुछ बार आई हूँ यहाँ पे, ज़्यादा नहीं तो इतना पता नहीं है शहर के बारे में, बट बहुत अच्छा डेवलप्ड शहर है और काफ़ी काफ़ी रिहायश है, मतलब काफ़ी अच्छा फैला हुआ शहर है। तो बस वही दिखा रहे थे, ये मेरा स्कूल है, यहाँ हम लोग रहते थे, मेरे दोस्त का घर यहाँ तो आप देख सकते हैं पूरा अच्छी मार्केट है, चारों तरफ वेजिटेबल फ्रूट्स की मार्केट है यहाँ पे। बस अभी निकले हैं और अभी 3 बज चुके हैं,
देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से हैदराबाद, क्योंकि हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे और 1:30 हम लोग घर पहुँच गए थे। 1:30 बज गया था ना सर? 1:30 हाँ 1 o'clock हम लोग पहुँच गए थे घर, तो ठीक ही था टाइम। बीच में हम लोग ने नाश्ता भी किया और थोड़ा रुके भी हैं, उस हिसाब से हम सही चल रहे थे। इतना ट्रैफिक नहीं मिला, सुबह सुबह का टाइम था। अब आगे का रास्ता देखते हैं, आगे का नया रास्ता है हमारे लिए, क्योंकि विजयवाड़ा तक तो हम लोग बाय रोड आते रहते हैं, हैदराबाद बहुत कम जाना होता है। हैदराबाद मैं बाय रोड हम लोग ऑलमोस्ट 10 साल बाद जा रहे हैं। 10 साल पहले गए थे तब तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था, सारा रास्ता ही टूटा हुआ मिला था हमें। तो अब देखते हैं, बोलते थे अच्छा हो गया, तो चलिए फिर आपको हैदराबाद घुमाएंगे कल। और आज तो हमारी ड्राइव ही चल रही है, बस रात तक पहुंचेंगे। 3 तो बज गए हैं, 5 से 6 घंटे का बोलते हैं रास्ता है, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचेंगे। विजयवाड़ा से हैदराबाद 265 किलोमीटर है और हाईवे बहुत अच्छा है। अभी हम टोल पे खड़े हैं, टोल गेट पे, सेकंड टोल गेट आई है अभी तक का हमारा। तो वेदर भी बहुत अच्छा है और हाईवे भी बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है ड्राइव में। अगर कोई विजयवाड़ा से हैदराबाद या विशाखापट्टनम से हैदराबाद प्लान कर रहा है ना बाय रोड, तो ज़रूर जाओ, बहुत मस्त रोड है विशाखापट्टनम से भी और विजयवाड़ा तक और विजयवाड़ा से आगे हैदराबाद तक। अभी तक तो हमें बहुत अच्छा रोड मिला है, एकदम खाली भी है, सड़कें कोई ट्रैफिक नहीं है और निकल गए हैं बस। और मौसम तो अच्छा है ही है, साथ में ग्रीनरी है दोनों तरफ, देख के मज़ा आ रहा है। शहरों में रह रहे के वो ये हरियाली अब दिखती नहीं है ना, तो जब ये देख रहे हैं तो बहुत मस्त लग रही है, खेत आसपास में और ये चीज़ें। अब हम लोग शहर में जो है मिस करते हैं ना इन चीज़ों को, तो बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। 265 है ना अभी, 200 कह रही, शक्ल देखो मेरी, अब सो रही थी तो ऐसे ही लगेगी ना। 200 किलोमीटर पे आ गया, मतलब हमने 65 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। 3 बजे शुरू हुए थे, 1 घंटे में 65 किलोमीटर निकल गया है हमारा। तो भूख सी लग रही है, कुछ खाएं सोच रही थी, अमरूद लिए थे हम लोगों ने रास्ते में, तो वही खा रही हूँ। अरे ये धोने पड़ेंगे ना, प्रेनेक धो के देना मम्मी, मैं पानी कंटेनर में ले ना, मैं तेरे देनी है ना पानी भी, एलफाड़ अमरूद। गाय जा रही है, गाय। हम लोग अभी जस्ट होटल पहुंचे हैं, 8 बज गए हैं और अभी रूम में जाएंगे। तो अभी रूम में जाएंगे, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, सोने का मन कर रहा है बिल्कुल, खाना खाना है अभी। रूम सर्विस में ही कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे, तो काफ़ी पास में लिया हमने, एक्चुअली होटल नहीं है, ओयो का होटल है, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे, क्योंकि हमें सिर्फ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ही रुकना था, तो इसलिए हमने फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव में जाना सही नहीं समझा, तो सोचा कि यहाँ ठीक रहेगा। मेन हमें चाहिए था कि ऑफ़िस के नज़दीक हो, क्योंकि इंटरव्यू देने जाना है सुबह, उसको तो जल्दी पहुँच जाए, हैदराबाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और बस अभी बैठे हैं, हो रहा है वो पेमेंट वगैरह का प्रोसीजर जो होता है वो हो जाएगा, तो फिर रूम में जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, फिर देखते हैं कल कहाँ घूमने के लिए निकलते हैं।